दोस्तों सैलेड के रूप में कच्चा प्याज खाना बहुत से लोगों की पहली पसंद होता है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कोई और इस वीडियो को देखे चाहे ना देखे, पर लड़के और पुरुष इस वीडियो को हर हाल में देखे, क्योंकि इस वीडियो में कच्चा प्याज हमारे शरीर पर क्या क्या असर डालता है वो हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों सलाद के रूप में कच्चा प्याज खाना बहुत से लोगों की पहली पसंद होता है, मगर कच्चा प्याज हमारे शरीर पर क्या क्या असर डालता है इसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमारे देश में लोग सेहत से पहले स्वाद पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए अगर उन्हें कोई चीज खानी है तो बस खानी है, फिर चाहे उसका फायदा हो या नुकसान, बस स्वाद बढ़िया होना चाहिए। मगर दोस्तों उस चीज को खाने से पहले हमें उसके फायदे और नुकसान जरूर जान लेने चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि कच्चे प्याज से हमारे शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है, कच्चे प्याज को कैसे खाया जाए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मगर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों कच्चा प्याज खाना यूं तो सभी लोगों के लिए फायदेमंद होता है, मगर जिन लोगों को मधुमेह या सांस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए कच्चा प्याज बहुत ही फायदेमंद होता है। कच्चा प्याज खून की धमनियों को खोलता है, यानी कि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़िया बनाने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। कच्चा प्याज औरतों के मासिक धर्म के समय भी बहुत ही फायदेमंद होता है। पीरियड से पहले अगर कच्चे प्याज को सलाद के रूप में खाया जाए तो औरतों को उस समय होने वाले दर्द से काफी राहत मिल सकती है। दोस्तों कच्चा प्याज बालों और स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर जैतून के तेल में या फिर बादाम के तेल में कच्चे प्याज के रस को मिलाकर स्किन पर लगाया जाए तो कील मुहासे और छाइयों से छुटकारा पाया जा सकता है और इससे स्किन भी काफी चमकदार हो जाती है। दोस्तों अगर किसी को लंबे समय से खांसी या जुकाम रहता है तो प्याज के रस में शहद मिलाकर पीने से बहुत ज्यादा राहत मिलती है। कच्चा प्याज खाने से गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दोस्तों अगर किसी को पथरी की शिकायत हो तो उसे कच्चे प्याज को रस में चीनी में मिलाकर शरबत बनाकर पीना चाहिए, इससे पथरी जल्दी घुलने लगती है और खत्म भी हो जाती है। पुरुषों में यौन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी कच्चा प्याज बहुत ही फायदेमंद होता है। कच्चा प्याज खाने से पुरुषों में काम की इच्छा बढ़ती है, मगर दोस्तों अच्छी सेहत के लिए अच्छी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आप अपनी सेहत को ओवरऑल अच्छा करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में। स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।